हेलो बच्चों, तीसरा पार्ट में हुकार से संबंधित शब्दों के बारे में जानकारी दी है ना। आप चौथा पार्ट में क्या है देखेंगे बच्चे। चलिए चौथा पार्ट में, चौथा पार्ट का नाम है पतंग। आप भी बोलिए पतंग। इस इधर बिंदु लगाने से हम अनुस्वार बोलते हैं। इधर पतंग का चित्र है, देखिए बच्चे। आपको पसंद है क्या पका पतंग? प तम गा ता को बिंदु लगाने से ऐसा तम ऐसा बोलना है पतंग। इधर कुछ चित्र दिए ना, देखेंगे। इस चित्र का नाम है ओखली। ओ ख ली ओखली। इस चित्र का नाम है पतंग। पा तम ग पतंग। इस चित्र का नाम है चाबी। चा बी चाबी। इस चित्र का नाम है खरगोश। कितनी अच्छी दिख रही है। ख र गो श खरगोश। शा खरगोश। चलेंगे अगला पेज में। इस चित्र का नाम है डाकिया। डा की या डाकिया। मेरे साथ आप भी बोलिए बच्चे। इस चित्र का नाम है शलगम। श ला गा मा शलगम। इधर कुछ शब्द दिए ना, पहचानो और बोलो। इधर क्या है इस वर्णों को पहचानेंगे? आप बोलिए मेरे साथ इन शब्दों को। ख र गो श खरगोश। डाकिया चाबी ओखली शलगम पतंग। इधर कुछ वर्ण दिए हैं, कहाँ पर है देखेंगे बच्चे। डा डा किधर है? इधर। श श किधर है? इधर। ओ वो किधर है? इधर नहीं, किधर है? इधर। चा चा किधर है? इधर। ख इधर है। मैं इधर क्या कर रही हूँ आपके पाठ्य पुस्तक में? आप भी ऐसा करना पड़ेगा बच्चे। सुनो और बोलो। इन शब्दों को मैं पढ़ूंगी, पहले सुनिए। आ को इधर बिंदु लगाने से अम ग अंग। मैं कैसे बोल रही हूँ सुनिए पहले। श ब न म शबनम। खी ड की खिड़की। खी र खीर। शी शा शीशा। माँ को बिंदु लगाने से मम ग ला मंगल। इधर ई कार के बारे में और आ कार के बारे में आप जानते हैं ना बच्चे? शा को बिंदु लगाने से शम का शमका। अम द र अंदर। शम ख शंख। श र ब त शरबत। ग ली छा गलीचा। चो र चोर।
शाखा, शाखा। शम का रा, शंकर। का का, काका। बम दा रा, बंदर। गम गा, गंगा। शा ला ग मा, शलगम। बा गी चा, बगीचा। मो रा, मोर। का शी, काशी। खा का, खाक। छा छा, चाचा। पा तम गा, पतंग। पम पा, पंपा। सा रा क सा, सर्कस। शी का री, शिकारी। शो रा, शोर। ची मा नी, चिमनी। दा का डाक। आ शा, आशा। चम दा ना, चंदन। लम का, लमका। सा रा ग मा, सरगम। की ना री, किनारी। अब मेरे साथ आप भी बोलिए। अंग शबनम, खिड़की। खीर शीशा। मंगल शंका। अंदर शंक। शरबत गलीचा। चोर शाखा। शंकर काका। बंदर गंगा। शलगम बगीचा। मोर काशी। खाक चाचा। पतंग पंपा। सर्कस शिकारी। शोर चिमनी। डाक आशा। चंदन लंका। सरगम किनारी। बाद में आप भी एक बार पढ़िए बच्चे। अगला पेज में जाएंगे। नीचे दिए गए वर्णों को लिखने का अभ्यास करो। इधर कुछ वर्ण दिए, देखेंगे। आओ ख च ड श, इन शब्दों को इस तरह इस पंक्ति में आप भी लिखिए आपके पाठ्यपुस्तक में। अगला पेज में जाएंगे। रेखा खींचकर शब्द और चित्र का मिलान करो। इन शब्दों को पढ़ना है और इन चित्रों से मिलाएंगे हम। टमाटर, टमाटर कहाँ पर है? इधर है। शलगम, इधर है शलगम। मोर, मालूम है क्या मोर आपको? चाबी, इधर ही है चाबी। डाकिया, और एक शब्द है खरगोश। इधर है क्या खरगोश? नहीं, छोड़ेंगे। अगला पेज में जाएंगे। ओकार और अम, अनुस्वार की मात्रा वाले शब्द दिए इधर मैं पढ़ेंगे। पलंग, इधर अनुस्वार की शब्द कहाँ पर है? टोकरी, इधर, इधर नहीं, इधर क्या है? ओकार की मात्रा। नोट, इधर क्या है? ओकार की मात्रा या अनुस्वार? ओकार की मात्रा।
और इधर अनुस्वर, इधर अनुस्वार और इधर अनुस्वार, अंडा। इस चित्र का नाम क्या है? खरगोश। इधर क्या है? ओकार की मात्रा। पलंग, टोकरी, नोट, संतरा, घंटा, अंडा, खरगोश, ढोलक। अगला पेज में जाएंगे। इधर भी ओकार की मात्रा वाले शब्द और अनुस्वर की मात्रा वाले शब्द दी मैं। इधर क्या है? ओकार की मात्रा। चित्र का नाम है टोपी। इस चित्र का नाम है बोतल। इस शब्द में ओकार की मात्रा है। इस चित्र का नाम है झंडा। इधर अनुस्वार। इस चित्र का नाम है मोर। इधर ओकार की मात्रा। इस चित्र का नाम है पंखा। इधर अनुस्वार। इस चित्र का नाम है पंख। इधर अनुस्वार। टोपी, बोतल, झंडा, मोर, पंखा, पंख, अंगूर। बच्चे, आपके पाठ्यपुस्तक में मैं क्या क्या इधर कर रही हूँ आपके पाठ्यपुस्तक में आप भी करना पड़ेगा। मैं इधर आने के बाद देखूँगी। धन्यवाद।